और आइए अब ईद की बात करते हैं। कोरोना के इस संक्रमण काल की ये दूसरी ईद है जो पूरी तरह सादगी के साथ मनाई जा रही है। दिल्ली के जामा मस्जिद की तस्वीर दिखाएंगे आपको, जहां दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी अमर। जामा मस्जिद गेट नंबर 2 पे खड़ा हूँ। बरसों से यहाँ पर नमाज पढ़े जाते थे, लेकिन आज उनको इजाजत नहीं दी गई है क्योंकि आज ईद है और लोग यहाँ पर आते थे नमाज पढ़ने के लिए। मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये जामा मस्जिद है और मुगल काल से ही यहाँ पे नमाज पढ़े जाते थे। कहा यह जा रहा है कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में जिस तरह से कोविड दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहा है, उसको देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है और कहा गया है कि सोशल डिस्टेंस को आप मेंटेन करें। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए ही यहाँ पर इजाज़त नहीं दी गई है। अगर आपको इबादत करनी है, नमाज पढ़नी है, तो आप अपने घरों में पढ़ें, क्योंकि आज की अगर 24 घंटे में दिल्ली की केस की अगर बात करें तो तकरीबन 10,000 क्रॉस कर चुके हैं और 300 लोगों की मौत हो गई है। इस वजह से एहतियात के तौर पर सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो भीड़ भाड़ का इलाका है, पर्व त्यौहार है, उस पर बैन लगाया जाए। यह सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, वो चाहते हैं कि कोरोना को के चैन को किसी तरह से रोका जाए और रोकने का सबसे बड़ा तरीका है वो सोशल डिस्टेंस, मास्क पहने, डॉक्टरों की राय लें और उसको फॉलो करें, तभी जा करके आप बढ़ते कोरोना के चैन को आप रोक सकते हैं, तोड़ सकते। सरकार की ये पहल है और सभी लोगों ने इसको माना है और यही वजह है कि आज आपको जामा मस्जिद के सामने ईद के मौके पर भी सन्नाटा दिख रहा है। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ अमर सिंह, न्यूज।